तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। और मैं आज स्केचिंग का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ, जिसका नाम है क्रिएटिव स्केचिंग, जिसे देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो मेरी जो है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो। तो चलते हैं आज अपनी क्रिएटिव स्केचिंग की नई क्लास की ओर। चलिए, इससे पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। दोस्तों, स्केचिंग करते समय हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी सब्जेक्ट बना रहे हों उसको पहले अच्छे से अपने माइंड में उसको ऑब्जर्व कर लें। ऑब्जर्व करने से क्या होगा, उसकी जो फॉर्म होती है या उसका बॉडी पोस्चर होता है वो आपके माइंड के अंदर अच्छे से छप जाता है, जिससे बनाते समय आपको बार बार उस फिगर को, उस सब्जेक्ट को देखना नहीं पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको एक सब्जी वाले का स्केच बनाते दिखा रहा हूँ, जिसमें वो एक सब्जी तोड़ रहा है। और यहाँ पर मैं एक फ़ोटोग्राफ ले रहा हूँ, मुझे दुख है क्योंकि इस समय मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, नहीं तो मैं लाइव स्केचिंग भी आपको करके दिखाता, क्योंकि इस समय आपको पता है कि कोरोना चल रहा है ना। तो कोई बात नहीं, आप फोटोग्राफ भी ले सकते हैं किसी भी फिगर की या कोई भी मार्केट सीन वगैरह में जो भी लोग वगैरह खड़े हैं, जो आपको अच्छा लगता हो वो आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। देखिए, स्केचिंग में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको उसको ही फॉलो करना है, और अगर है भी तो वो फॉलो होता भी नहीं है। जैसा कि किताबों में आपने और भी देखा होगा कि भाई उसको हेड के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करते हैं, जैसे हैंड का, लेग का, है ना, लेकिन वो प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है। ये सब किताबी, एक तरह से कह सकते हैं कि किताबों में लिखने वाली बात होती है, तो आप प्रैक्टिकली उतरते हैं तो आपके माइंड में केवल ये रहता है कि आप उस फिगर को, इस सब्जेक्ट को कैसे बनाएं। तो इस बात को ध्यान रखिए कि आप जब भी फिगर बनाते हैं तो कोई भी पार्ट्स है बॉडी का वो अलग ना लगे, सब एक प्रोपोर्शनेट हो, बस इस बात का ध्यान रखिए, आपकी धीरे धीरे स्केचिंग अच्छी हो जाएगी।
तो कैसा लगा मेरा ये स्केचिंग का वीडियो? मुझे लगता है काफ़ी ठीक ठाक लगा होगा। और अगर अगर आपको अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।